नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा नंदा। ये देख लेते हैं कि आज विदेशी बाजारों से किस प्रकार के संकेत हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी सी ढुलमुल सी शुरुआत की है। लगातार कुछ स्ट्रेंथ दिखाने के बाद आज हम देख रहे हैं कि 45-46 अंक नीचे है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो दायरे का ही ट्रेड दिखाई दे रहा है इंडिकेशंस, क्योंकि ऑफकोर्स अमेरिकी बाजार बंद रहे हैं, मंडे को उनकी छुट्टी थी। तो हम देख रहे हैं कि आज दायरे का ही ट्रेड दिख रहा है। नैस्डैक 50-51 अंक ऊपर है। तो डाउ फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं हल्का सा दबाव है। एशियन मार्केट्स ने थोड़ी सी कमजोर शुरुआत की है। निकेई जापानीज मार्केट पर नजर डाले, 60-61 अंकों की कमजोरी दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही जो बाकी मार्केट्स भी अब खुलते दिखाई दे रहे हैं वो लाल निशान में ही अपनी शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। कमोडिटी स्पेस की अगर बात करें तो कच्चा तेल एक बार फिर से फर्राटा रफ्तार पकड़ चुका है। ब्रेंट 122 के पार है और WTI क्रूड में भी स्ट्रेंथ है। लेकिन वहीं सोने चांदी की बात करें तो हम छोटे से दायरे में इसे घूमता हुआ देख रहे हैं। तो बीते सत्र में क्या कुछ हुआ है, आज के मार्केट्स ट्रेड के लिए किस प्रकार के ट्रिगर्स हैं ग्लोबल मार्केट से, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजार तो बंद रहे, पता नहीं अब उसके लिए थैंक गॉड बोलना चाहिए कि हमारे मार्केट्स में इतना बेहतरीन प्रदर्शन दिखा, लेकिन आज के क्यूज कैसे लग रहे हैं? कोई वरीसम है, क्या हुआ है? नहीं, कोई परेशानी वाली वैसी कुछ बात नहीं, हल्की सुस्ती है। बट देखिए, इतनी अच्छी तेजी बन चुकी है तो उसके बाद थोड़ा अगर बाजार सुस्त है, कोई गिर नहीं रहे, कोई ऐसा नेगेटिव ट्रिगर नहीं आया है, कोई ऐसा खराब बात नहीं हुई है। बट ऑफकोर्स अमेरिकी बाजार कल बंद है तो एक तरह से एक फ्री हिट हो जाता है जब अमेरिकी बाजार बंद होते हैं, क्योंकि फिर वो एक फैक्टर नहीं रहता है जो मार्केट मूवमेंट पर इंपैक्ट करे। तो फ्राइडे का अमेरिकी बाजार का एक्शन नहीं दिखाते हैं, सिर्फ फ्यूचर्स देखते हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा कि फ्यूचर्स काफी अच्छे रहे हैं। और ऐसी सुस्ती है बट कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, नैस्डैक फ्यूचर्स तो अभी भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। हाँ, एशिया थोड़ा मिला जुला आप कह सकते हैं, हालांकि ऑफकोर्स आपको नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि चीन में जो रेस्ट्रिक्शन हट गए स्पेशली बीजिंग और शंघाई के, उसका अब इंपैक्ट बाजार पर कैसे रहता है। एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो कल आ ही चुका था क्योंकि ओवर द वीकेंड उन्होंने बताया था कि वो रेस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं, पर अब बाजार और कैसे इस पर एडजस्ट करते हैं ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो वहां पर रखिए नजर, ठीक ठाक ही आपको एक्शन दिखेगा, हल्की फुल्की सुस्ती जरूर आपको दिख रही है। इसके अलावा यूरोप में अगर आप कल देखें तो अच्छा एक्शन था, क्योंकि ऑफ कोर्स चीन की रेस्ट्रिक्शंस हटने से जो सप्लाई चेन की एक चिंता बन रही थी बाजारों पर वो अब आपको जाती हुई दिख रही है, और साथ ही चीन की डिमांड भी वापस आएगी, तो दोनों तरफ से ये एक फायदे की ही बात है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि कल यूरोप के बाजार भी आपको पॉजिटिव दिखे। अमेरिकी के बाजार बंद थे बट ऑफकोर्स बॉन्ड यील्ड वहां पर अभी भी मूव कर रही है, अब 2.8784% पर आ गई है। तो लगभग दो दिनों में 10 बेसिस पॉइंट ये बॉन्ड यील्ड बढ़कर आई है, 2.75 से ऑलमोस्ट 2.85 पर आती हुई दिख रही है। तो नजर रखनी पड़ेगी, बॉन्ड यील्ड हल्की सी बढ़ी है बट ऑफकोर्स जो रीसेंट हाइज थे उससे तो काफी गिरी हुई है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है और वो है जो बाइडेन और जेरोम पावेल के बीच बैठक। ये अनशेड्यूल्ड बैठक है, यानी कि ये पहले से शेड्यूल नहीं की गई थी। इंपॉर्टेंट बैठक है क्योंकि ऑफकोर्स इन्फ्लेशन की हम चिंता देख ही रहे हैं, तो उस पर इन दोनों की क्या सोच विचार होती है, क्या चर्चा होती है, अगर वहां से कुछ निकल कर आता है या नहीं, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उस पर भी बाजार की नजर बनी हुई है। और इन्फ्लेशन की बात निकली है तो परेशानी है कच्चे तेल की, कल फिर से बढ़कर आए, $122 पर आपको कच्चा तेल आते हुए दिखाए। एक तो जो अमेरिका की मांग है वो तो एक फैक्टर है ही, बट साथ ही यूरोप में अब एक कंसेंसस व्यू बन गया है कि साल के अंत तक 90% तक के जो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स हैं उस पर रोक लगा दी जाएगी। तो इसके बाद हमने और एक्शन बनाया, तो चीन की डिमांड लौटने से, अमेरिका में मजबूत डिमांड से, और ये जो यूरोप अब रूस के ऑयल इंपोर्ट्स पर इस साल के अंत तक ऑलमोस्ट पूरी तरह से बंद करने के लिए तैयार है, वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपको रखनी है नजर। तो कच्चे तेल पर आप रखिए नजर, 122 तक ब्रेंट पहुंच गया था, उसी के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स सुस्त है, कुछ वहां पर मूवमेंट नहीं है, 101.5 पर आपको आते हुए दिखा है, लगभग 6 हफ्ते का निचले स्तर। गोल्ड और सिल्वर पर हल्का सा दबाव है, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है। बेस मेटल्स पर रखिए नजर, अगेन ये चीनी डिमांड लौटने से बेस मेटल स्पेस में आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा है, लगातार दूसरे दिन अच्छी बढ़त है। और जिंक और निकल इन पर्टिकुलर यहां पर तेजी है, लगभग 3 हफ्ते की ऊंचाई पर ये ट्रेड कर रहे हैं। तो यहां पर एक फैक्टर है कच्चे तेल और बाकी कमोडिटीज में आपको रखनी है नजर। एंड ऑफ कोर्स आज शाम अमेरिकी बाजार कैसे ट्रेड करते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। चलिए दीप, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत हैं, और आपकी बात से थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो कुछ इंटरेस्टिंग डेटा सामने निकल कर आ रहा है जब हम FIIs DIIs की खरीदारी और बिकवाली के आंकड़े पर नजर डालते हैं। तो सोमवार को जो संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन रहा है इंटरेस्टिंग रहा है, इसलिए क्योंकि
काफी समय के बाद और आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट कई दिनों हफ्तों के बाद कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। जी हाँ, यहाँ पर बिकवाली लगातार जारी थी, 502 करोड़ के आसपास की खरीद देखने को मिली है। घरेलू संस्थागत निवेशकों का तो लगातार सपोर्ट रहा ही है, 1524 करोड़ के पास की वहां पर खरीदारी दिखी है। एंड ऑफकोर्स हमने देखा है इंडेक्स फंड्स हो, यहाँ पर एफएनओ स्पेस में एफआईआईज की तरफ से प्रदर्शन लगातार बरकरार है, 3600 करोड़ से अधिक की खरीदारी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। तो ये और आज के लिए पॉजिटिव ट्रिगर साबित होगा। लेकिन अब जिस तरह के संकेत मिलते दिख रहे हैं, हमारे मार्केट्स में आज किस प्रकार की रणनीति होगी, ट्रेडिंग रेंज क्या होगी, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, सुपर हिट सोमवार के बाद क्या आज हमें टेरिफिक ट्यूसडे के लिए तैयारी करनी चाहिए सर? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए कल की अच्छी तेजी के बाद आज थोड़े मिले जुले से कारोबार वाले बाजार रह सकते हैं, जहां एक और एफआईआई के आंकड़ों का संकेत दमदार है। कल शानदार क्लोजिंग भी लिए, ब्रेकआउट की तैयारी एक और करते हुए दिख रहे हैं निफ्टी पर हम। उसके अलावा थोड़ा सा सेंटिमेंट पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, टेक्निकली बाजार मजबूत होते दिख रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार में मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं। और अगर आज जिस तरह से एचडीएफसी 50 अंक नीचे दिख रहा है, कमजोर शुरुआत होगी, थोड़ा नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आएंगे तो वहां से खरीदारी होती दिखेगी। अब दोनों तरफ की बात मैं इससे कर रहा हूँ कि थोड़ी अपसाइड भी लिमिटेड है, उसकी वजह ये कि थोड़ा डाउ फ्यूचर्स वापस आपके कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि कच्चे तेल को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ रही है, $122 के आसपास कच्चा तेल पहुंचना ये हमारे बाजारों के लिए ठीक नहीं है। तो महंगाई को लेकर थोड़ा बहुत जो हम कंफर्टेबल फील कर सकते थे कि चलिए वापस से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी वजह से महंगाई कम होगी, लेकिन कच्चा तेल अगर फिर से बढ़कर आता है तो ये चिंता की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये बाजार की अपसाइड को भी थोड़ा लिमिट करेंगे, इसी लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों तरफ के मौके आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बोल रहा हूँ, हालांकि थोड़ा दूर का है लेकिन वो सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले कुछ समय के लिए हो सकता है, वो है 16,400-16,500 की रेंज। ये मजबूत सपोर्ट रेंज है और इस रेंज में आने के बाद बाजार में अच्छी खरीदारी होगी और एक हजार पॉइंट की एक तरफा तेजी के बाद हल्का फुल्का करेक्शन हो जाए तो कुछ खास गलत बात भी नहीं है। ऊपरी स्तरों पर एक बार 16,700 को पार करके आपके तो 16,725 की वो रेंज है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है और वहां पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आते दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,000 आज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 36,100-36,300 वो रेंज है जहां पर आपको बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो मिले जुले कारोबार के लिए तैयार हुई है और वैसे भी आप देखिए पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। एक तरफा 1000 पॉइंट का रनअप देने के बाद थोड़े से बाजार यहाँ पर वक्त बिताने की कोशिश कर सकते हैं, इस वक्त बिताने की कोशिश में आपको रेंज के दोनों तरफ ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो गैप से नीचे खुले तो खरीदारी आ जाएगी और कम गैप से खुले तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और वापस बाजार दोनों तरफ का ट्रेंड दिखाएंगे। जी नहीं, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो ऑल इन ऑल इतना घबराने वाली बात नहीं है, इनफैक्ट अच्छी बात तो ये है जो पॉजिटिव नोट पर देखना चाहिए कि दोनों तरफ के ट्रेड्स का यहां पर मौका मिलेगा, लेकिन रेंज को ऑफकोर्स पकड़ के चलिएगा। सर ने जो लेवल्स बताई हैं मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूं, निफ्टी पे 16,400-16,500 एक तगड़ी सपोर्ट रेंज का आज काम करेगा। थोड़ा मार्केट जैसे सर ने कहा कि अगर डिप पे खुलते हैं तो वहां पर कुछ खरीद का मौका मिल सकता है, 16,750-8,25 आज ये एक अपर बैंड साबित होगी निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में वही 35,100-35,300 ये आज आपके ये सपोर्ट रेंज का बेस रेंज का काम करेगी और 36,100-36,300 में तो कोई ऐसे बुरी खबर नहीं है, दायरे को फॉलो करके चलना है, लेकिन स्टॉक्स इन न्यूज की हमारी लिस्ट तैयार है, वहां पर आपको ढेरों मौके मिलने वाले हैं और पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग, बताइए फाइनली हम नतीजों के सीजन के अंत की तरफ पहुंच रहे हैं, तो कल कौन सी कंपनियों के नतीजे हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है यू हैड बास्केट ऑफ नंबर्स टू रिव्यू, कैसे रहे नंबर्स? नतीजों में सबसे पहले सन फार्मा, जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े से कमजोर आते हुए दिखे हैं, आए हालांकि 11% बढ़कर आई है। एडजस्टेड मुनाफा अगर देखेंगे वहाँ भी 12.7% का बढ़ोतरी देखी गई है, पर दोनों क्वार्टर में एक्सेप्शनल लॉस था, पिछली बार भी एक्सेप्शनल लॉस था, इस बार भी एक्सेप्शनल लॉस था। एफएनओ में अरविंदो फार्मा, जिसमें हमारे अनुमान के मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं, आय लगभग 3.2% घटकर आती हुई दिखी है, मार्जिन 21.2% से घटकर लगभग 17% पर आते हुए दिखे हैं।
और इंटरिम डिविडेंड भी दिया है 4.5 का। JSPL हमारे अनुमान से कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं, आय में लगभग बढ़ोतरी देखी गई है, एबिटा अगर आप देखेंगे तो वहां पर लगभग 38% का कट देखा गया है, वहीं अगर मुनाफे की बात करेंगे मुनाफे में भी 38% का कट देखा गया है। IRCTC अच्छे नतीजे हैं, हालांकि मार्जिन्स में प्रेशर देखा गया है, आय लगभग दो गुना बढ़कर आई है पर मार्जिन्स जो है वो 42.8% से घटकर 40.3% पर आते हुए दिखे हैं। LIC नेट प्रीमियम इनकम पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 18% की बढ़ोतरी है, पर अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफे में लगभग 17.4% का कट है और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है लगभग 1.5 का, तो मिक्स्ड सेट ऑफ नतीजे हैं। ट्राइडेंट बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं, आय लगभग 39% बड़ी है, मार्जिन्स देखेंगे 17.6% से बढ़कर 18.1% पर आते हुए दिखे और मुनाफे में भी लगभग 138% की बढ़ोतरी देखी गई है। और अंत में KNR कंस्ट्रक्शन नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं, आय लगभग 11% बढ़ी है, मार्जिन्स देखेंगे मार्जिन्स में भी 22% से लगभग बढ़कर 25% पर आते हुए दिखा है, मुनाफा भी लगभग 60% बढ़कर आता हुआ दिखा है। ओके, चलिए, तो अरमान ने आपको ये तो बता दिया कि कल जो कंपनी ने नतीजे जारी किए वो किस प्रकार के रहे हैं, लेकिन आज के लिए क्या ट्रिगर्स होंगे और खबरों के चलते कौन कौन से सेक्टर्स एंड स्टॉक्स है जिस पर हमारे दर्शकों को ध्यान देना है? करेक्ट, सबसे पहले कैश में PTC इंडिया के नतीजे हैं, IPO एथर इंडस्ट्रीज का शेयर अलॉटमेंट है, आज IMD की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 12 बजे, एक्स डेट है कुछ जिसमें HDFC लिमिटेड है डिविडेंड 30 रुपये का, HDFC लाइफ इंश्योरेंस जहां पे फाइनल डिविडेंड है 1.7 का, इन्फोसिस जहां पे फाइनल डिविडेंड है 16 का। आज भारत का फिस्कल डेफिसिट और Q4 का GDP का डेटा आएगा और यूरोप का CPI YOY डेटा आएगा, जो मई का डेटा है वह आएगा, और आज जो US के प्रधानमंत्री हैं, US के जो प्रेसिडेंट हैं वो जो बिदेन जी है वो आज जनरल पावल साहब से मिलेंगे। खबरों में M&M पर ध्यान रखिएगा जिसमें TVS ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 2.67% हिस्सेदारी है, वो लगभग 44 करोड़ में खरीदेंगी, और ब्रोकरेज और NBFCs पर ध्यान रखिएगा जो कि हमारी खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। अब जो IPO पे आप जो भी अर्जी दे रहे हैं उसके साथ साथ जब भी अर्जी में जो अमाउंट होगा वो सबके लिए ब्लॉक होगा, सभी कैटेगरी के लिए वो सेम कर दिया गया है, वो 1 सितंबर से लागू होगा जिसमें आपका रिटेल QIB NI सभी को एट पार कर दिया गया है। वोकार्ट पर ध्यान रखिएगा जिसमें बोर्ड बैठक में लगभग 1600 करोड़ का फंड जुटाने के लिए मंजूरी मिलेगी, और GR इंफ्रा पर अंत में ध्यान रखिएगा जिसमें राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा और ये लगभग 5.53 करोड़ में अपनी सब्सिडियरी का अधिग्रहण किया जाएगा। चलिए, तो ये वो न्यूज अपडेट्स हैं, इवेंट्स हैं जिस पर आपको रखनी है नजर, और इन्हीं के मद्देनजर हम देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स में हमें देखने को मिलेगा एक्शन। अरमान शुक्रिया वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स, शुरुआत हम करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। अदानी पोर्ट पर आज खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है, 734 रुपये के पास का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, स्टॉप लॉस रखिए स्ट्रेटेजी में 705 का, 790 तक का अपसाइड टारगेट रिकमेंडेड है। अनराठी सिक्योरिटीज की सलाह आ रही है HDFC लाइफ खरीदने की, 595 का स्टॉप लॉस लगाना है, 635 तक का अपसाइड यहां देखने को मिल जाएगा जो आज आपके लिए टारगेट का काम करेगा। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग, रिलायंस खरीदने की सलाह आ रही है, 2630 का स्टॉप लॉस लगाएं 2730 के टारगेट के लिए। चलिए, तो आज जिस तरह का मार्केट का मूड मिजाज दिखाई दे रहा है SGX निफ्टी की बदौलत खासतौर से, उसके मद्देनजर आपको क्या रणनीति अपनानी है सेक्टर्स में, इंडाइसेस में, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहेगा, सब पर हम डिटेल से बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं SMC ग्लोबल के मुदित गोयल। मुदित जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। मुदित जी सबसे पहले तो कल का जो धमाकेदार एक्शन था मंडे का, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी आपकी क्या सलाह होगी? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बहुत बढ़िया कल के सेशन में ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिली, और सबसे अच्छी चीज जो कल के सेशन में निफ्टी में नजर आई, जो 3 हफ्ते से जो एक दायरे में हम फंसे हुए थे उस दायरे को मार्केट ने गैप अप के साथ निकाला है और गैप अप होल्ड कर पाया है। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है, जब इस तरह की एक्टिविटी बनती है ना तो ये चीज इंडिकेट करती है कि यहाँ पर जैसे हम डीप करेक्शन में थे उसके बाद कंसोलिडेशन चार्ट पर बन रहा था, तो वो ये इंडिकेट कर रहा था कहीं ना कहीं बियर्स हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल जो गैप अप के साथ मार्केट ने ओपनिंग दिखाई और साथ में क्लोजिंग देखने को मिली है, गैप अप होल्ड हुआ है, ये इंडिकेशन आ रहा है कि यहाँ पर बियर्स ट्रैप हुए हैं। जब बियर्स या बुल्स को ट्रैप करते हैं तो बड़ा अपसाइड मूव या बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है, तो बियर्स ट्रैप हुए हैं यहाँ पे, तो अभी और अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो हमें ऐसा लगता है आज के सेशन में 16,760 से लेकर
16,800 तक के अपसाइड में निफ्टी में नजर आ सकते हैं। ये आज के टारगेट्स हैं, अदरवाइज अगर एक से दो दिन का नजरिया रखते हैं तो 17,000 और 17,100 तक के अपसाइड में निफ्टी में नजर आएंगे। तो डिप में निफ्टी को बाय करके चलेंगे तो स्टॉप लॉस रहेगा 16,590 का। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में भी कल के सेशन में स्लाइटली जो हाइज बने थे वो थोड़े होल्ड नहीं हुए, बट जिस तरह के स्ट्रक्चर अभी भी बने हुए हैं, 22 यहाँ पर निफ्टी बैंक में भी पॉजिटिव बनते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक में भी बाय करके चलेंगे 36,200 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रहेगा 35,600 का। पोजिशनल टारगेट निफ्टी बैंक में 36,800 के निकल कर आता है। ओके, तो बॉटम लाइन यही है कि यहाँ से स्ट्रेंथ पूरी बरकरार है, चाहे निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी, आपको डिप्स पे करेक्शन पे करनी है खरीदारी। और गोइंग फॉरवर्ड इंट्राडे के लिहाज से वो तो पोजीशंस आपके सामने है ही, पोजिशनल ट्रेड अगर आप लेकर चलना चाहते हैं 17,000 के पार निफ्टी जाता हुआ मुदित को दिखाई दे रहा और 36,800 तक का लेवल वो आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में बनता हुआ देख रहे हैं। ये तो बात हो गई ब्रॉडर इंडाइसेस की। मुदित, मुझे बताइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है आज? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ऑटो सेक्टर लगातार मार्केट को आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो एक स्टॉक हमने ऑटो सेक्टर से चुना है, दैट इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को लॉन्ग करके चलेंगे। कल के सेशन में बहुत बड़ा ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, उसका ब्रेकआउट है, सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकला, 100 डेमा के भी ऊपर ये काउंटर निकला है और बढ़िया क्लोजिंग देखने को मिली है। तो जो चार्ट्स इंडिकेट करते हैं आज के सेशन में 451 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे, बाय करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 437 का। पर दूसरा स्टॉक रहेगा नेहा जी M&M फाइनेंस का। कल क्लोजिंग शो में भी हम थे और क्लोजिंग शो में हमने 176 पे काउंटर को रिकमेंड किया था और वहां से 3.5 रुपए का अपसाइड मूव देखने को मिला था। जिस तरह की क्लोजिंग आई है, एक लॉन्ग बुलिश मोरूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। ये जो पैटर्न बना है ना, कल करीब महीने डेढ़ महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। डबल बॉटम के बाद ये पैटर्न बना है, बड़ा अपसाइड मूव यहाँ से आ सकता है। आज के लिए 184 के टारगेट्स के लिए M&M फाइनेंस को भी लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 176 का। पॉइंट टेकन। मुदित जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में एंड ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ रहेगा जहां पर हमारे दर्शकों को ध्यान देकर अच्छी कमाई हो सकती है। इक्विटी स्पेस के बाद अब बढ़ते हैं कमोडिटी बाजार की तरफ और समझ लेते हैं आज के लिए रणनीति। आज कमोडिटी बाजार में बात करने के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं, वैसे तो मिक्स पैक एक्शन है, बुलियन में सुस्ती दिखाई दे रही है, लेकिन एनर्जी और बेस मेटल, खासतौर से कच्चा तेल, ये बहुत स्विफ्टली भागा है। तो कच्चे तेल पर ही सबसे पहले अपनी राय दे दीजिए कि यहाँ से आपको और स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा है। जी जंग से हमने देखा कल EU की मीट से पहले कच्चा तेल 2 महीने के हाई पे जाता हुआ दिखाई दिया है। ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि जो अपडेट आने वाला है रेस्ट्रिक्शंस को लेकर, वो मार्केट डिस्काउंट कर रहा है, जिसके चलते कल हमने ब्रेंट को एक अच्छा खासा तेजी 120 के ऊपर जाते हुए देखा। बट आज मॉर्निंग में अगर हम देखें तो थोड़ी सुस्ती भी दिखा रहा है। तो आज काफी इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है, जहां पे हमें लगता है कल की जो रैली थी यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है, क्योंकि 1 तारीख से संडाई मार्केट भी ओपन अप हो रहा है, कोविड रेस्ट्रिक्शन इज आउट हो चुका है, तो ये भी मार्केट कहीं ना ये भी न्यूज कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो चुकी है। तो उसी को देखते हुए छोटा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले भी हमने देखा 8500 से 9100 का एक रेंज था, तो उसको देखते हुए 9100 पे कच्चे तेल को बेचना चाहिए, बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से जो 8850 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, चलिए, तो थोड़ा सा करेक्शन दिखेगा, इसका फायदा उठाइए। आज हल्की सी शॉर्ट सेल यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सोने चांदी में क्या रणनीति अपनाई जाए? कोई क्लैरिटी मिल नहीं रही है कि फाइनली ये यहां से और करेक्शन दिखाएगा, ये ऊपर चढ़ेगा, डॉलर इंडेक्स में सुस्ती है, उसी का थोड़ा सा कुशनिंग इफेक्ट है, क्या किया जाए? गोल्ड सिल्वर, देखिए बिल्कुल, अगर कल की बात करें तो कल US मार्केट बंद होने की वजह से कोई मेजर डेटा पॉइंट नहीं था जिसके से कल सुस्त ट्रेड था, आज भी 1850 के करीब ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है, डॉलर में कंटिन्यू ड्रॉप दिखा रहा है, यील्ड में बॉन्ड यील्ड में भी कंटिन्यू ड्रॉप दिखा रहा है, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जब तक प्राइजेस में कुछ ब्रेकआउट, जैसे डोमेस्टिक मार्केट में 51,200 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, मार्केट एक दायरा का माहौल बनाता हुआ चलेगा। तो आज के लिए अगर फ्राइडे के अंदर
51,000 पे गोल्ड को लेके चलिए, 50,850 का स्टॉप लॉस रखिए, अप साइड में 51,180 से 51,350 का टारगेट लेके चल सकते हैं। वहीं चांदी में कल हमने हायर लेवल से थोड़ी दबाव देखी थी, आज हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से वापस 61,500 के करीब बाइंग बनती हुई दिखाई देगी, जो फिर से 62,200 से 62,800 का जो जोन है, रिजर्वेशन जोन है, वहां तक आते हुए दिखाई देगी। ओके, मेटल्स पर आपका क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब चाइना रीओपनिंग स्टोरी निकल कर आती है तो मेटल्स काफी उत्साहित हो जाते हैं, और वो हमने देखा भी, खासतौर से एल्यूमिनियम, निकल, जिंक, यहां पर हम मल्टी वीक हाइस के पास ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। मेटल बास्केट में आपको आज क्या पसंद आ रहा है? मेटल के अंदर कॉपर मुझे लगता है सबसे बढ़िया इंडिकेटर होता है पूरे बेस मेटल का। 13 मई को हमने 738 का लेवल छूते हुए देखा, तो वहां से हमने शानदार रिकवरी आते हुए देखी है। टाइमिंग चाइना मार्केट भी ओपन अप हो रहा है, जो एफर्ट्स लिया जा रहा है वो पहले इसको सपोर्ट कर रहा है, तो आई थिंक कॉपर में कंटिन्यू बाइंग रखिए 778 पे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 785 से 790 का एक शॉर्ट टर्म जंप देखने मिल सकता है, वो कंटिन्यू रहेगा, तो कॉपर को बाय करके चलिए। ओके, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर कॉपर को माना भी जाता है कि वो पूरे मेटल पैक को लीड करता है, लीडर ऑफ द टीम माना जाता है, एंड ऑफ कोर्स इसकी इन्वेंट्रीज भी हमने शंघाई एक्सचेंज पर थोड़ी घटती हुई पिछले हफ्ते देखी है, तो इन तमाम फैक्टर्स का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। एग्री स्पेस में मुझे क्विकली बता दीजिए, कॉटन में क्या किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ा कूल ऑफ आया है, हमारे मार्केट में भी जारी रहेगा ये? बिल्कुल, हमारे मार्केट में भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन जिस ढंग से हो रहा है वो प्रेशर है, इंटरनेशनल में भी 140 सेंट तोड़ चुका है, इसी को देखते हुए 45,800 पे बेच के चलिए जून वाइज, जो मुझे लगता है नीचे में 44,500-600 तक के भी लेवल दिखा सकता है, तो कॉटन में बिकवाली करते चलिए। पॉइंट टेकन, अजय जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं FIR की, यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की, देख लेते हैं कौन से ऐसे शेयर है जिस पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज की है FIR। शुरुआत सन फार्मा से करेंगे, इस पर ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन रखते हैं आपके सामने। गोल्डमैन सैक्स बिकवाली की राय मेंटेन्ड है, टारगेट इन्होंने हालांकि बढ़ा दिया, 700-720 कर दिया। नोमुरा की तरफ से खरीद, टारगेट 1,094 का है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट स्टैंड है, टारगेट 1,002 का है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल स्टैंड लेके चल रहे हैं और 810 का टारगेट है। जेफरीज इनकी तरफ से अंडरपरफॉर्म का स्टैंड है, टारगेट भी थोड़ा सा घटाया, 798 से 775 कर दिया है। जुबिलेंट फूड्स पर ब्रोकरेज की रिकमेंडेशन, मॉर्गन स्टैनली इन्होंने अपना स्टैंड इक्वल वेट से ओवरवेट कर दिया, टारगेट भी बढ़ा दिया, 530 से 657 कर दिया है। मैक्वेरी इन्होंने अपना अंडर परफॉर्म का स्टैंड बरकरार रखा, टारगेट हालांकि 10 रुपए से बढ़ा दिया, 440 कर दिया है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल स्टैंड बरकरार है 580 के टारगेट के साथ। जेपी मॉर्गन की अगर बात करें तो इन्होंने भी अपना न्यूट्रल आउटलुक बरकरार रखा है, टारगेट 10 रुपए से बढ़ाकर 600 कर दिया है। और जेफरीज की अगर बात करें तो इन्होंने भी अपनी खरीद की रिकमेंडेशन ही दी है 580 के टारगेट के साथ। डिक्सन टेक पर आते हैं, मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट रिकमेंडेशन यहां बरकरार है, 2879 का टारगेट इन्होंने सुझाया है। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल स्टैंड के साथ चल रहे हैं, टारगेट थोड़ा सा काटा है, 3630 कर दिया है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल स्टैंड बरकरार है 4800 के टारगेट के लिए। और जेफरीज इन्होंने खरीद की रिकमेंडेशन दी है, टारगेट काटा है 400 रुपए से, अब 400 रुपए काटा है इन्होंने टारगेट और 5300 कर दिया है। और बिंदो फार्मा, इस पर क्रेडिट स्विस का आउटपरफॉर्म का स्टैंड बरकरार है 855 के टारगेट के लिए। कमिंस इंडिया पर गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल स्टैंड लेके चल रहे हैं, टारगेट इन्होंने काटा है, 890 कर दिया है। क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार है 1150 के टारगेट के साथ। नोमुरा ने अपना स्टैंड थोड़ा सा रिड्यूस किया है, इस पर टारगेट भी घटाया है, 770 कर दिया। और अंत में BPCL क्रेडिट स्विस की आउटपरफॉर्म की आउटलुक बरकरार है और टारगेट इन्होंने दिया है 455। तो पाव ब्रेकफास्ट को चलिए यहीं समेटते हैं, लेकिन बने रहिएगा आप जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। नमस्कार।